हेलो व्यूअर्स, हमारे टॉपिक व्हाइल लूप के बारे में है। व्हाइल लूप, हम जैसा कि पीछे लूप्स में पढ़ के आए हैं, फॉर और एडवांस टॉपिक हमने पढ़ा है फॉर का, तो उससे कंपेयर करते हैं व्हाइल को। व्हाइल बहुत सिमिलर है लेकिन कुछ डिफरेंस है। व्हाइल भी एक लूप है, ये एक ही ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि फॉर में हमारे पास इनिशियलाइज ब्लॉक होता था, कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद एक सेमी कॉलन के बाद काउंटर होता था, अपडेट ब्लॉक भी जिसको हम कह सकते हैं, काउंटर ब्लॉक कह सकते हैं। वाइल में ऐसा कुछ नहीं होता। वाइल में सिर्फ कंडीशन होती है और बॉडी होती है, और वो बॉडी उस वक्त तक बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक के आपकी वो कंडीशन ट्रू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, वाइल शुरू हुआ, कंडीशन मैच होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके वो कंडीशन चेक करेगा। ट्रू है फिर एग्जीक्यूट होगा, वो फिर जाएगा घूम के कंडीशन चेक करेगा, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स होते ही वो स्टॉप हो जाएगा, वाइल से बाहर निकल आएगा। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसका यूसेज फॉर से ज़्यादा सिंपल है। अब क्योंकि आप फॉर समझ चुके हैं प्रीवियस सेशंस में, तो वाइल का यूसेज सिंपल है। वाइल में डायरेक्टली हम कंडीशन देते हैं कि जब तक एक्स छोटा रहे 10 से फॉर एग्जांपल, और उसके बाद बॉडी शुरू कर देता है। इसमें कोई इनिशियलाइजेशन का चक्कर नहीं है, कुछ काउंटर वगैरह आपको नहीं देना है, ठीक है? सिर्फ हाँ, हमें कंडीशन अप्लाई करने के लिए कोई हमारे पास सिचुएशन होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज भी कर दिया उसको जीरो से। कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक काम करे, जब तक एक्स छोटा रहे 10 से, डायरेक्टली हमने यहाँ पे कंडीशन दी रिलेशनल ऑपरेटर है। लेस देन का ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं कि जब तक लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, ये लूप जो है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूँ सी आउट एक्स, ठीक है? और सेकेंडली हम यहाँ पे स्लैश एन दे देते हैं लाइन ब्रेक के लिए। अच्छा, अब यहाँ एक मसला है, इस सिचुएशन में ये लूप तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। आप इसको हिट करके देख लें, कंपाइल एंड रन करें, तो लेट मी शो यू बाय जूमिंग द आउटपुट। ठीक है, ये चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, और इस कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? कि हम इसमें इंक्रीमेंट दे ही नहीं रहे। मैं इसको कंट्रोल सी करके रोकता हूँ, हमने इसको इंक्रीमेंट देना है। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी एक्स की वैल्यू उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू में 1 प्लस हो जाए, ठीक है? अब हमने इसको बाय डिफॉल्ट इसमें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि जी फॉर में तो हम यहाँ पे एक्स प्लस प्लस देते थे, इस तरह से होता था, वाइल में नहीं है, तो हमने उसकी बॉडी में एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है। और इसको मैंने अब हम यहाँ पे F11 करते हैं, लेट्स सी। ओके, टर्मिनेटर नहीं आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा। इसको रन करते हैं तो आउटपुट आप देखेंगे कि 0 to 9 वैल्यूज प्रिंट हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि फॉर में होता था, ठीक है? जैसा कि फॉर में होता था। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि ये भी एक लूप है। वाइल हम मोस्टली जब यूज करते हैं जब हमें सर्टेन नहीं होती कोई कंडीशन। हमें कंडीशन तो पता है लेकिन वो कब खत्म हो जानी हमें नहीं पता। इसी तरह से किसी एरे पे भी आप इस लूप को चला सकते हैं, आप इसको किसी भी कलेक्शन पे चला सकते हैं कि जब तक उसके एलिमेंट्स मिलते रहे वो लूप चलता रहे। यहाँ पे जब तक एक्स की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी लूप चलता रहेगा। फॉर लूप से बहुत ज़्यादा रिजेंबल्ड है लेकिन डिफरेंट वे है इसके यूज़ करने का, ठीक है? यहाँ वाइल के बाद डायरेक्टली कंडीशन आती है ब्रैकेट में और फिर आपकी बॉडी आ जाती है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको F11 करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि क्योंकि हमने 2 का इंक्रीमेंट दिया था तो अब वो आपका आउटपुट सही आ रहा है, 0 to 4 6 राइट? तो ये हमारा वे है उसको यूज़ करने का। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसमें इफ़ यूज़ कर लें तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, इफ एक्स की वैल्यू हो जाए 4, तो मैं इसको कर रहा हूँ ब्रेक। अच्छा, मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं दे रहा, इफ की बॉडी के ब्रैकेट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह है कि इफ की जो बॉडी है वो फर्स्ट टर्मिनेटर तक है, राइट? सो आई होप ये आपको क्लियर है।
इफ़ की बॉडी फर्स्ट टर्मिनेटर था क्या? इसलिए ब्रेक, इफ़ की बॉडी सिर्फ फर्स्ट टर्मिनेटर के दरमियान ब्रेक ही है। अच्छा होगा क्या? एक्स 0 से इनिशलाइज हुआ, एक्स छोटा 10 से ओके लूप के अंदर दाखिल हो जाएगा, प्रिंट होगा 0, 2 का इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है अब यहाँ पे। दोबारा जाएगा छोटा है 10 से, फिर आ जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा ब्रेक हो जाना है क्योंकि वो कंडीशन मैच हो जाएगी उसकी। अच्छा इसको रन करके देखते हैं, 0 और 2, ठीक है आप देख सकते हैं कि 0 और 2 क्यों इसका आउटपुट आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ लगाया था ब्रेक कंडीशन, ये तो अभी ट्रू है, लेकिन हुआ ये कि हमने इसको ब्रेक लगा दिया था जिसकी वजह से वो लूप एग्जिट कर गया। ब्रेक जहाँ भी आता है वहाँ से लूप अपनी उस करंट एग्जीक्यूशन को एग्जिट कर जाता है, करंट ब्लॉक से बाहर निकल जाता है, आई मीन ये इसका करंट ब्लॉक है तो इस ब्लॉक से एग्जिट कर जाएगा, इसके बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा अगर ये इंक्रीमेंट जो भी हमने लगाया है ये हो बाद में और आपकी इफ स्टेटमेंट हो पहले, तो क्या होगा आउटपुट देखना है। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, पहले वो 4 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, उसके बाद इफ उसमें मैच होगा और फिर वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। हाँ अलबत्ता इसमें एक और चीज़ भी है, यहाँ आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट खुद से देना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपको इंक्रीमेंट करना हो या डिक्रीमेंट करना हो खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना चाहें तो ये भी आपको आपकी चॉइस है कि आपको खुद से ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, जहाँ भी करें इट्स अप टू यू, लेकिन करना ज़रूर है, अदरवाइज आपका लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जैसा कि हमने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में चला के देखा था, ठीक है। अच्छा अब क्या सिचुएशन हुई है कि 0 1 2 3 4 पे आके उसने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए 0 1 2 3 3 तक, इसलिए कि आपको पता ही है ऑपरेटर क्या करता है, एक्स प्लस प्लस पहले प्रिंट कर देता है बाद में उसे इंक्रीज कर देता है, तो जब 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया इस पॉइंट पे, उसके बाद उसकी वैल्यू 4 हो चुकी थी, 4th ने इस कंडीशन को मैच कर लिया, ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया और लूप आपका इस पॉइंट पर एग्जिट पॉइंट पर बाहर आ गया। ओके आई होप ये बहुत सिंपल और छोटा टॉपिक है, अगर आपको इसमें कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में या डिस्कशन में पूछिएगा, तो मैं इसको आप कोई एडिशनल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।